रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा सत्तार व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। तो हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक बहुत ज़्यादा। तो आज की जो रेसिपी है वो मीठे की रेसिपी है, डिज़र्ट रेसिपी है, बहुत जल्दी और बहुत ईजी बनने वाला ये मीठे रेसिपी है। ब्रेड के साथ, जैसे हम ब्रेड रसमलाई वगैरह बनाते हैं उस तरीके से ये रेसिपी, लेकिन थोड़ी सी चेंज है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसे ब्रेड रसमलाई बोलूँगी या ब्रेड डिज़र्ट बोलूँगी, जो भी आपको नाम रखना है इसका आप रख लीजिएगा। मैं बोलूँगी झटपट रेडी होने वाला डिज़र्ट, ठीक है? तो आपको नाम जो भी रखना है आप वो रख लीजिएगा। तो फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो, अपनी रेसिपी की। आज की जो रेसिपी है वो डिज़र्ट की है, मीठे की। ज़ाहिर बात है रमज़ान मुबारक के नमकीन तो मीठा भी कुछ होना चाहिए, तो फिर इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया डिज़र्ट के लिए, चाहे डिज़र्ट बनाने के लिए, जो मैंने 1 kg मिल्क लिया है, दूध लिया है। तो आप, मैंने यहाँ खुला दूध यूज़ किया, आप चाहें तो मिल्क पैक या ऑलपर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो है वो खुला दूध यूज़ किया। तो मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। एक बॉयल जो है इसके अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे, क्योंकि जो मिक्सचर बनेगा ये कस्टर्ड का बनेगा, तो अब हम इसके लिए करते हैं कस्टर्ड पाउडर का मिक्सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो मैंने 1/4 कप जितना दूध ले लिया, इसके अंदर ये वाले 3 टेबल स्पून जो है मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। 1, 2, 3 इसको करूँगी मैं अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। यहाँ पे मैं जो है मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं, वनीला भी कर सकते हैं। तो मैं इन सबको करती हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें जो है शुगर ऐड करूँगी। शुगर जो है मैं इसके अंदर वही 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, शुगर आपको मीठी रखनी है या कम रखनी है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि शुगर जो मैं इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सर ऐड करेंगे एक बॉयल आने तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा बॉयल आ चुका है, अब कस्टर्ड पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया, ताकि कस्टर्ड हमारा जो नीचे बैठता है वो पूरा मिक्स हो जाए हमारे दूध के अंदर। इसके बाद जो मैं क्या करूँगी, कस्टर्ड ऐड करती हूँ इसके अंदर। कस्टर्ड जो आपको स्लो स्लो ऐड करना है, डायरेक्ट एक साथ ऐड नहीं करना, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इस तरीके से आपने इसमें ऐड किया, रखा, फिर आपने इसको हल किया, ताकि जो हमारे लम्स हैं वो इसके अंदर ना बने। 2 दफ़ा के अंदर हम इसको कर देंगे पूरा। ये मैंगो कस्टर्ड है, तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का है। वनीला कस्टर्ड जो लेते हैं वो हम थोड़ा सा तेज़ कलर होता है इसके अंदर, ठीक है? अब इसके अंदर आएगा बॉयल, तो मैं इसके अंदर क्या कर दूँगी, मैंने इलायची लेके कूट ली, इसको थोड़ी सी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे घर में इतनी शौक से नहीं खाई जाती इलायची, तो मैं ऐड करूँगी। और यहाँ स्टेज पे आप बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करी, सिर्फ मैंने इलायची इसके अंदर ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। एक बॉयल आएगा, यह हमारा जो है बैटर मिक्सचर जो हमारा थिक हो जाएगा, तो हम फिर हम इसको उतार देंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा कस्टर्ड ऐड। जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं वैसे ही इसका सारा मिक्सचर बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा इसका बॉयल, फिर यहाँ पे मैं इसको उतार दूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून जो है वो क्रीम ले ली है। आप चाहें तो यहाँ पे मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी, लेकिन क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मलाई है तो आप मलाई यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ये क्रीम भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने 5 to 6 टेबल स्पून क्रीम ले ली है, आप यहाँ मलाई भी यूज़ कर सकते हो। घर की अगर मलाई है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ क्रीम यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने क्रीम ली है, ठीक है? 4, 5, 6 टेबल स्पून मैंने क्रीम लिया। इसके अंदर जो है अब मैं पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। चीनी को देखो मैंने पीस लिया था 1.5 टेबल स्पून, ठीक है? ये चीनी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स अपने क्रीम के अंदर, ताकि जो ब्रेड के अंदर हम ये टेक्सचर लगाएं, तो इसके अंदर भी मीठा मीठा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा आए। तो इस वजह से हमने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी लेके उसको पीस लेना, बहुत इजी और सिंपल है। तो ये हमारा बन गया है, एक हमारा जो है वो कस्टर्ड पाउडर जो था कस्टर्ड का वो रेडी हो चुका है। ये क्रीम के साथ भी हमने रेडी कर दिया। अब हम करेंगे ब्रेड की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया, क्योंकि ब्रेड का डिज़र्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया, ब्रेड का डिज़र्ट है। अगर ब्रेड ना हो तो डिज़र्ट तो मुश्किल है, वरना
बिना ब्रेड के डिज़र्ट तो नहीं बन सकता। या मैंने ब्रेड ले ली, फिलहाल 2 पीस मैंने यहाँ निकाल दिया। ब्रेड के जो है साइड्स के हम इसके कट कर लेंगे, और ये साइड के जो आप कट करें इसके आप ज़ाया मत कीजिएगा, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स घर में ही रेडी हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं इसकी साइड कटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताऊँगी। साइड कटिंग आप छुरी से कर लें या कैंची से कर लें, इस तरीके से देखिए आप ही करनी है इसकी कटिंग। चारों साइडों से आपको इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ये ब्रेड के साइड के जो है मैंने कट कर लिए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमने क्रीम और शुगर का टेक्सचर बनाया था वो हम इस पर लगाएंगे, ताकि दूसरी ब्रेड इस पर आसानी से चिपक सके, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम अपना जो मलाई है या क्रीम है जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप इस तरीके से करके अच्छी तरीके से पूरी ब्रेड पे लगा के और सेकंड ब्रेड जो है वो आप इसको ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दोनों मिक्स हो जाए आपस में। फिर आप हम करेंगे इसकी कटिंग इस तरीके से। आप चाहें तो इसका खाली ये पीस भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको, और अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो आपके अच्छे खासे जो है डिज़र्ट रेडी हो जाएंगे। और मैंने ऐसे रखा, ब्रेड मेरी छोटी है तो इस वजह से रखा, बड़ी है तो आप इसके 4 पीस भी कर सकते हैं, स्क्वायर कट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। एक मैंने ऐसे शेप में काट ली, आप चाहें तो इसको भी 2 कर सकते हैं अगर आपको और छोटा चाहिए, वरना ये साइज़ ठीक है ना, वे बहुत आराम से बंदा खा लेगा, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली, अलग अलग शेप की यहाँ मैंने कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने क्या करा, एक बाउल के अंदर ये पका हुआ दूध ही है ये मैंने ले लिया, हाफ कप जितना भी समझ ले दूध, ये मैंने ये वाला दूध ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दी, ठीक है। पिसी हुई चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब जो हमारा ये ब्रेड है ना, अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, डिप अच्छी तरीके से, ज़्यादा डिप नहीं करनी वरना मेरी ब्रेड टूट जाएगी, और जल्दी से आप लोगों को निकाल लेना है इसको बाहर। इस तरीके से निकाल के आप रख देंगे इसको साइड पे। तो फिर मैं सारा प्रोसेस करने के बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स ये देखिए सारी ब्रेड को मैंने दूध में डिप कर लिया था, ये बहुत जूसी हो गई है। तो आप लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रखना, आपको डालना है और निकालना है जूस के अंदर। इसमें मलाई का मिक्सचर भी है, क्रीम का मिक्सचर भी ऐड है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया है कस्टर्ड, ये थोड़ा थोड़ा हो गया ठंडा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी वीडियो एंड करनी है, तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया। ये हो गया ठंडा, आप इसमें चाहें तो बादाम पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। तो मैं पर्सनली खुद भी नहीं खाती हूँ, मेरे घर में भी इतने शौक से नहीं खाते, तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ही इसको रखा है। सिंपल ही बहुत मज़े का बनेगा, आप भले इसको सिंपल भी रख सकते हैं। अगर मेरी तरह हैं आप लोग नहीं खा सकते बादाम पिस्ते तो मत डालें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि बादाम पिस्ते हैं नहीं तो हमारा डिज़र्ट तो रेडी होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है तो मत डालें, हैं तो डाल दें, आपकी चॉइस पर। इसके बाद ये देखिए ठंडा, इस पर मलाई ऐसे ऐसा ठंडा जाएगा, इस पर मलाई जमती जाएगी। ये देखिए कैसे मलाई जम गई इसकी, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है ना, अभी भी मेरा थोड़ा गर्म है, इसको आपको फ्रिज में रख के ठंडा करना है। यहाँ पर इशू हो गया कि लाइट वालों को क्या करें, पंखे में रखते तो थोड़ा ठंडा होता, फिर मैं इसको फ्रिज में और ठंडा कर देती, लेकिन लाइट का इशू है तो इस वजह से कोई मसला नहीं है। खैर है, मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि यहाँ पे वीडियो एंड करनी है, अफ्तारी की तैयारी भी है, तो यहाँ पे मुझे जो है अपने वीडियो को एंड करके दिखाना है आपको। तो आप ये देखिए जो मलाई वाला है ना सेक्शन, अब हम ये जो है ना इसके ऊपर ऐसे कर डालेंगे। आप यकीन जाने ये बहुत यमी और टेस्टी बनेगा। इस तरीके से आपको डालना है कि पूरी ब्रेड जो है ना वो कवर्ड हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको डालना है इसके, आप चाहें तो अगेन इसके ऊपर बादाम पिस्ते गार्निश कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही गार्निश बादाम पिस्ते से, मैं सिंपली इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देखें कितना जूसी और कितना यमी यमी बना है, ये क्रोज़ा है लेकिन नहीं टेस्ट कर सकते, अभी नहीं खा सकते, तार में इंशाल्लाह खाएंगे। फिर कल की रेसिपी के साथ इसको मैं आपको टेस्ट बताऊँगी कैसा बना है कैसा नहीं बना। तो पूरी डब रोटी जो मेरी कवर्ड हो चुकी है इसके अंदर, तो फिर इसी तरीके से आप लोगों को करना है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है, झटपट बनने वाला ये डिज़र्ट है, सिर्फ ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगेगा,
ताकि जो है झटपट ये रेडी होगा। कस्टर्ड का मिक्सचर, मलाई क्रीम और ब्रेड चाट्स जैसे बनेगा मज़ेदार आपका डिज़र्ट। आपके पास ब्रेड होना चाहिए, दूध होना चाहिए, क्रीम होनी चाहिए और ब्रेड, और ब्रेड ये मेन है इसके, आपके पास होना चाहिए, बाकी तो खुद घर में से बंदा मैनेज कर लेता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, कि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बातों बातों के चक्करों के अंदर, तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, उन्हें टाइम दीजिएगा, उनके साथ वक्त बिताइएगा, उनकी इज्जत, उनकी खिदमत कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे पेरेंट्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर।